आदिम जाति सेवा सहकारिता मर्यादित अजंदा में 10 से 12 वर्षों से ऋण योजना में किसानों के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया था, जिसमें मृत लोगों के नाम से पैसा निकाल लिया गया है। लगभग 2 करोड़ रुपए के घोटाले का अनुमान लगाया जा रहा है। किसानों के साथ धोखाधड़ी, जालसाजी होना अब आम बात हो गई है। चाहे वो यूरिया खाद का घोटाला हो, नकली बीज दवाइयों का घोटाला हो या फिर ऋण योजना में घोटाला हो, मध्य प्रदेश शासन इस ओर गंभीर नहीं दिखाई दे रहा है और ना ही दोषियों पर कार्यवाही हो रही है। ऐसा ही एक मामला मनावर विधानसभा के आदिम जाति सेवा सहकारी मर्यादित अजंता का है, जहां पर 10 से 12 वर्षों से किसान ऋण में भारी भ्रष्टाचार और घोटाला चल रहा है, जिसमें किसानों ने यह आरोप लगाए हैं कि मृत किसानों के नाम तक पर लोन लेकर राशि की बंदरबांट हो गई है। इस भ्रष्टाचार में जगदीश डकलेचा, जो सोसाइटी के पूर्व प्रबंधक थे जिनकी मृत्यु हुई थी, उनका नाम आ रहा था, किंतु जो सहकर्मी इस भ्रष्टाचार में शामिल थे वह आजाद घूम रहे हैं और उनमें से एक वर्तमान मैनेजर मनोज हम्बड़ भी है। उन पर कार्यवाही नहीं होना अनेक सवालों को उत्पन्न कर रहा है। वर्तमान में अब शासन प्रशासन किस गंभीरता से इस विषय पर संज्ञान लेता है, यह देखना रोचक होगा। मनावर से लोकेंद्र जाधव की रिपोर्ट। क्या नाम है दादा? विजय सिंह। कहाँ के निवासी हैं? अजंता। ये जो सोसाइटी से ऋण योजना थी, हाँ। इसमें आपने ऋण ले रखा है, ये आपको कैसे मालूम पड़ा? अरे तो ये योजना आई थी मुख्यमंत्री जी की, उसमें पता चला? हाँ, क्या? हाँ, उसमें पता चला। तो आपने कितने का ऋण लिया, ये आपको कितनी राशि पता चली वहाँ पे? वहाँ से 1,54,000 शायद। तो अभी आपको वो ऋण भरने की राशि कितनी हो गई है ब्याज समेत? 2,65,70,000। तो आपके साथ धोखाधड़ी हुई है? हुई है धोखाधड़ी। सभी ने मिलके की है? सब ने मिलके। तो आप क्या चाहते हैं आप? अब इनका निपटारा करवाओ। ठीक है, थैंक यू। नहीं, हमको खाद नहीं मिलता है साहब। हम लोग कई बार धार गए, शिकायत की, न जाने बड़े अधिकारियों ने भी, कलेक्टर तक कुछ भी नहीं हुआ। आए वह आवेदन लेके पटक देंगे, भोपाल गए वहाँ भी कुछ भी नहीं हुआ। मेरा नियम है कि इनको सख्त सख्त कार्रवाई करके इनको सोसाइटी के, मतलब कि बिल्कुल शुद्ध शुद्ध किया जाए सोसाइटी को। इसमें प्रक्रिया में तो जैसे कि जब से आवेदन करते हो, जब से लेके जब पैसा निकलता है, हाँ। जब तक इस दरमियान में कम से कम 8-10 लोगों का मामला होता है, हाँ। तो किसी के भी खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई? कुछ भी नहीं। आए जांच वाँच करके, थोड़े बहुत जांच के लिखा पढ़ी करके चले जाएंगे, कुछ भी नहीं करते ये लोग। तो बड़े मिली भगत की आशंका है? बिल्कुल मिली भगत की आशंका है। लोग और भी कुछ जुड़े हुए लोग हैं इसमें, यहाँ से वहाँ तक। बिल्कुल। क्या क्या कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई चाहते हैं कि सोसाइटी को बिल्कुल कितने घाटे में चल रही है वो, उसको बिल्कुल साफ किया जाए। इतनी सोसाइटी घाटे में चले जिसका जवाब नहीं है। वर्तमान के जो अभी कार्यरत कर्मचारी है, हाँ। अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उन पर भी होना चाहिए, उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने मतलब बात को रोक रखा है कि कुछ होना नहीं चाहिए आगे। अच्छा, वर्तमान में जो है वो भी मिली भगत? वो भी मिली भगत है इसमें। और बिल्कुल ऐसा करते हैं, मैंने, मेरा झगड़ा हुआ था एक बार, 267 यूरिया खाद 267 के बजाय 270 में बेचने को तैयार थे। इस बीच में मेरी रिपोर्ट करी थी इन्होंने कि झगड़ा किया, जबकि मैंने इन लोगों से झगड़ा इसलिए किया था कि आप 267 में यूरिया बेचो, जबकि 270 में बेचने को तैयार थे ये लोग। मेरे को वहाँ रिपोर्ट कर दी, बाकी किसान है मेरे साथ में 267 बेचने के लिए तैयार, ये लोग, ये प्रबंधक मनोज कुमार। लक्ष्मण मुलायम। कहाँ के निवासी हैं? अजंता के। अच्छा, ये जो सोसाइटी का ऋण योजना का जो गबन का मामला चल रहा है, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? इस विषय में ये कहना चाहूँगा कि मैंने लोन लिया था नहीं, फिर भी मेरे नाम से बकाया लोन आया था सूची में नाम, तो मेरे बोलने पे अभी मेरा, मेरे नाम का जो लोन मेरे पिताजी के नाम के था, मेरे नाम से जब भूमि नहीं थी तभी मेरे नाम से लोन निकाला गया था, और वो लोन अब अभी तक मेरे पास, यदि अगर मैंने लोन लिया होता तो मेरे पास किसी प्रकार का भी आवेदन आता, मैंने लोन लिया भी नहीं और जमा भी नहीं किया। सूची में मेरा नाम आया था और मैंने ऑप्शन लिया था, और मनावर, धार और भोपाल तक मैं गया भी शिकायत करने के लिए, पर मेरी शिकायत की अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मैंने जो ऑप्शन लिया था तो मेरे पास अभी तक वापस कोई नोटिस तो नहीं आया कि तुम्हारा ऋण बाकी है करके। जैसे लोन चालू होता है, लोन स्वीकृत होता है, उस बीच में कई अधिकारी कर्मचारियों का बीच में इन्वॉल्वमेंट रहता है, किसी पे भी कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, किसी पे भी नहीं हुई। आप क्या चाहते हो इसमें? कुछ
मैं तो ये चाहता हूँ कि नियमानुसार इन पर कार्रवाई होना चाहिए और इनको जो भी सजा है वो सजा मिलनी चाहिए। मनोज हम्मड़ की भूमिका संदिग्ध है? नहीं, मेरे से मनोज हम्मड़ से ऐसी कोई भूमिका भी नहीं है और ऐसी कोई बात भी नहीं हुई है। नहीं नहीं, उसकी भूमिका इस मामले में गड़बड़ करने में वो भी है इन्वॉल्व? मेरे को अभी तक उन्होंने उसकी तरफ से कोई भी गड़बड़ करने का ये नहीं आया। यहाँ का जो मेन आदमी था वो तो मर चुका है। हाँ, आपका लोन भी हो गया था। हाँ, लोन जमा भी हो गया। हाँ, तो वो तो आदमी है ही नहीं। हाँ, तो ये इस तरह की प्रक्रिया में अभी वो तो आदमी है नहीं, तो कौन हो सकता है? अब ये तो मैं भी नहीं बता सकता, शायद उसके जीवन काल में उसने ही जमा कर दिया। जांच का विषय है। हाँ, तो जांच की जाना चाहिए। विभाग के लोगों को इसमें आशंका है क्या? विभाग के लोगों को, मेरे को गाँव इनके लिए ठीक है, जाँच का विषय है ये। हाँ, ये जाँच करनी चाहिए। आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।